चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। मैडम, क्लास शुरू होने से पहले मैं एक शायरी सुनाऊं? सुनाओ, वरना तुम परेशान ही करते रहोगे पूरी क्लास में। जब मैं शायरी सुनाऊं ना तो तुम लोग वाह करना। जिंदगी में चाहे कितने भी गम आए, जिंदगी में चाहे कितने भी गम आए, अपने आंसुओं को रुकने मत देना, उन्हें बह जाने देना, क्योंकि रुके हुए पानी में ही डेंगू वाले मच्छर अंडे देते हैं। मुझे ये बताओ, तुम कौन से खानदान से हो? मैं जानवरों। मस्त जोक मारा। जानवरों के? वो कैसे? मैम, पापा मुझे उल्लू कहते हैं, मम्मी गधा कहती है, दादाजी शेर का बेटा और दादी जी मुझे बंदर कहती है, तो हुए ना जानवरों के खानदान के। बेबी। हुँ? आपसे एक सवाल पूछूं, बुरा ना मानो तो। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं तुम्हारे किसी सवाल को मना कर पाऊं। पूछ लो। ओहो, तुम भी ना। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि अगर मैं और सासू माँ एक टाइगर के पिंजरे में फंस जाए तो सबसे पहले तुम किसे बचाओगे? क्या हुआ? A few moments later. इतना इजी सवाल? इतना भी इजी नहीं है, चलो जल्दी से जवाब दो। अगर तुम और सासू माँ एक टाइगर के पिंजरे में गिर जाओगे तो मैं सबसे पहले टाइगर को बचाऊंगा ना, वैसे भी बहुत कम बचे हैं इस दुनिया में। जब मैं खाना खाता हूँ ना, भूख नहीं लगती, अरे रात को नींद आ जाती है, सोना पड़ता है। जब मैं चलता हूँ ना, पैर आगे पीछे होते हैं। ये तो बहुत सीरियस बीमारी है। मैं बस तो जाऊंगा ना। वैसे तो चांसेस कम होते हैं, लेकिन तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगी। ये लो दवाई, इसे तुम्हें रोज सोने के बाद लेना है और सुबह उठने से पहले खाना है। ये तेल तुम्हें रात को धूप में लगाकर 1 घंटा सिकाई करनी है, और अगर फिर भी मर जाओ तो मेरे पास आ जाना।